इंसानों की तरह प्रेत भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्रेत आत्मा अच्छी होती है जो लोगों का भला करती है, और कुछ आत्माएं बुरी होती हैं जो तबाही मचाती हैं। आज वैसी ही दो आत्माओं की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मोहन और रामू बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों ही सैनिक बनकर देश सेवा करना चाहते थे। दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते कूदते थे और एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। एक दिन उनके स्कूल में एक नया टीचर आया। आते ही बच्चों को उसने अपना परिचय दिया। बच्चों, मेरा नाम अशोक है। मैं तुम लोगों का फिजिकल टीचर हूं और कल से मैं तुम लोगों को अच्छे अच्छे खेल सिखाऊंगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बताऊंगा। टीचर की बात सुनकर मोहन और रामू बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों ने मन में सोचा, व्यायाम और खेल दोनों ही सैनिक बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। एक दिन स्कूल में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी। मोहन और रामू एक ही टीम में थे और वो दोनों बहुत ही अच्छा खेल खेल रहे थे। इन दोनों की वजह से उनकी टीम ये प्रतियोगिता जीत जाती है। सभी टीमों को उनकी टीम पराजित कर देती है और गोल्ड मेडल लेकर आती है। प्रधानाचार्य दोनों की बहुत ही तारीफ करते हैं। मोहन और रामू, तुम दोनों ये मत सोचना कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। मैं आज अकेले में तुम दोनों को एक राज की बात बताता हूं। मैं कोई टीचर नहीं, मैं एक शैतान हूं, और वो मेरा जादुई फुटबॉल था जिसके बल पर तुम लोगों ने प्रतियोगिता जीती। इन दोनों से बात करते करते अशोक का मुंह पीछे की ओर मुड़ जाता है और डरावना लगने लगता है। और हां, अगर मेरा ये राज तुमने किसी को बताया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। रामू और मोहन डर से कांपने लगते हैं। स्कूल से घर जाते समय टीचर के बारे में बात करते हुए जाते हैं। यार मोहन, मुझे उस टीचर की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्लास में बच्चों को हमेशा घूरता ही रहता है। इस तरह तो वो हम सबको डरा डरा के ही मार डालेगा। हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। अरे यार, कर भी क्या सकते हैं, वो भूत टीचर कुछ भी करने पर हम दोनों को मार डालेगा। वे दोनों आपस में बात करते हुए घर चले जाते हैं। रामू घर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। कभी खाने की मेज को पलट देता है तो कभी घर का आईना तोड़ देता है। रामू, आज क्या हो गया? पहले तो तुम ऐसा नहीं करते थे। रामू का चेहरा टीचर के रूप में एकदम से बदल जाता है। शालिनी मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके स्कूल का बॉयफ्रेंड अशोक हूं। अशोक का नाम सुनते ही शालिनी डर जाती है और बीते दिनों की घटनाएं उसकी आंखों के सामने नाचने लगती है। रेस्टोरेंट में अशोक और शालिनी खाना खा रहे होते हैं। शालिनी का पति उन दोनों को देख लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठता है और घर चला जाता है। कुछ देर के बाद शालिनी भी घर आती है। कहाँ गई थी तुम? घर के जरूरी सामान और सब्जियां लेने बाजार गई थी। तब तो सब्जियां काटने के लिए चाकू भी लाई होगी। हाँ बिल्कुल लाई हूँ, लेकिन तुम चाकू की बात क्यों कर रहे हो? मैं भी ऑफिस आते वक्त सेब लेकर आया हूँ। चलो, सेब को चाकू से काट कर टेबल पर रख दो, फिर हम दोनों बैठ कर खाते हैं। अरे यार, ऐसा क्यों नहीं करती, अशोक को भी बुला लेती। कौन अशोक? वही जिसके साथ रेस्टोरेंट में बैठकर तुम खाना खा रही थी। तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? देखो, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे और अशोक में से किसी एक को चुनना होगा। ओके, देखो मैं ये खेल ही खत्म कर देती हूँ। शालिनी अशोक को फोन करती है और एक सुनसान जगह पर रात के अंधेरे में बुलाती है। अशोक शालिनी से मिलने के लिए आता है और जैसे ही गाड़ी से उतरता है, शालिनी उसे बेरहमी से मार देती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर चली जाती है। किसी को भी इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तुम पुरानी घटनाओं के बारे में सोच रही थी ना? मैं आत्मा हूं, कौन कब क्या और कैसे सोचता है सब जान जाता हूं। आज मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगा। इस तरह अशोक शालिनी को मारकर उसकी आत्मा को अपने प्रेतों की दुनिया में लेकर चला जाता है। इस तरह दोनों प्रेतों की दुनिया में जाकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और दोनों हमेशा टकराते रहते हैं। शालिनी प्रेमी जोड़ों को मारती है और अशोक उन जोड़ों को बचाता है। इन दोनों के टकराव को देखकर प्रेतों का राजा दोनों को बुलाता है।
आपस में मिलकर रहने की बात करता है। शालिनी स्कूल में जाकर कई बच्चों को गायब कर देती है। बच्चों के माता पिता को परेशान देखकर अशोक दुखी होता है। शालिनी की कैद से बच्चों को छुड़ाकर आजाद कर देता है। इस तरह शालिनी और अशोक की अच्छी और बुरी आत्माएं आपस में हमेशा टकराती रहती हैं।